हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, जब आप विंडोज 7 इंस्टॉल करते हो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर, तो यहाँ पर एक एरर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ए रिक्वायर्ड सीडी एंड डीवीडी ड्राइवर इज मिसिंग। ये एरर आपको कैसे फिक्स करना है, कैसे ये प्रॉब्लम आपको ठीक करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिनका यूज करने से आप ये डेफिनेटली जो प्रॉब्लम आ रहा है आपको ये ठीक कर पाओगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी विंडोज में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपका जो पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव है, आपको आपके सिस्टम से उसको निकाल देना है। ठीक है, ये एरर के टाइम पर आपको यहाँ पर निकाल देना है। निकाल लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका सिस्टम है उसको आपको बूट कर लेना है। यहां पर हम लोग इसको बूट कर लेंगे और हम लोग विंडोज के अंदर जाएंगे और वहां पर आपको एक फाइल डाउनलोड करना है जिसकी मदद से हम लोग जो ये एरर आ रहा था हम लोगों को उसको ठीक करेंगे। तो हम लोग लैपटॉप के अंदर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है आपके लैपटॉप के अंदर। तो आप किसी दूसरे लैपटॉप पर भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको गूगल ओपन करके उसके अंदर आपको टाइप करना है विंडोज़ इमेज टूल विंडोज 7। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च करोगे और यहाँ पर जब आप सर्च बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लिंक ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गीगाबाइट्स का जो पहला ही लिंक है यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया तो ये नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। यहां पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ करना है इसको। यहां पर फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर का। ठीक है, यहां पर आपको क्लिक करना है, यहां हेयर पर क्लिक कर दीजिए तो ये नेक्स्ट पेज पर आपको लेके जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर यूटिलिटी के अंदर यहाँ पर आपको टाइप करना है कीवर्ड्स के अंदर यूएसबी इंस्टॉलेशन टूल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सर्च करना है इसके अंदर, ये यहाँ पर नोट कर लीजिए और यहाँ पर सेम एज इट इज आपको यहाँ पर टाइप करके सर्च करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टूल डाउनलोड करना है आपको। अगर आपका लैपटॉप AMD का है, AMD प्रोसेसर है उसके अंदर, तो आप ये वाला टूल डाउनलोड करोगे। ठीक है, नीचे चलते हैं हम लोग, नीचे आएंगे थोड़ा सा। यहाँ हम लोगों को इंटेल के लिए चाहिए, इंटेल लैपटॉप के लिए, जो हमारा प्रोसेसर है वो इंटेल का है, तो हम लोग यहाँ पर इंटेल वाला ये टूल डाउनलोड करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आपका लैपटॉप के अंदर इंटेल है, आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो इंटेल है, तो आपको यहाँ पर इंटेल सेलेक्ट करना है। अगर AMD है आपका तो ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये वाला डाउनलोड कर लेंगे। जैसे डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारा ये टूल डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, जो हमारा टूल है यहाँ पर हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। अभी इस पर राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये टूल डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर इसको ओपन करना है। यहाँ इस पर भी आपको क्लिक करना है, आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको विंडोज इमेज टूल का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपको यहाँ पर। ओके, तो फ्रेंड्स आपके सामने एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो आपका पेन ड्राइव है, आपको क्या करना है, आपका पेन ड्राइव लगा के रखना है ऑलरेडी इसमें, यहाँ पर लैपटॉप के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उसको एक्सपेंड कर लेना है और जो आपका पेन ड्राइव है यहाँ पर वो शो हो जाएगा। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और जो ये तीनों ऑप्शन है ये आपको चेक कर देने हैं। ये तीनों का तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके चेक होने चाहिए। यहाँ पर आप स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको
15 से 20 मिनट लग सकता है ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्रिएटिंग विंडोज यूएसबी इंस्टॉलेशन डिस्क इज कंप्लीट, ये वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाएगा जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको अभी बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको वेट करना है, 15 से 20 मिनट आपका लग सकता है। इधर यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। अभी आपका जो पेन ड्राइव था उसको सेफली रिमूव कर लेना है आपको, यहाँ पर गए उसको इजेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमारा जो यूएसबी है अभी हम लोग निकाल लेंगे अपने लैपटॉप से, और जो लैपटॉप के अंदर हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था अभी हम लोग उस लैपटॉप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर वो जो यूएसबी था यहाँ पर उसको लगा देंगे। अभी हमारा जो सिस्टम है हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको F12 आना है बूट मोड में जाने के लिए। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर F12 आना है, अगर कोई अदर लैपटॉप यूज कर रहा है तो जो भी आपका बूट मोड के अंदर जाता है वो की आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर USB स्टोरेज डिवाइस सेलेक्ट करना है, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो हम लोगों को एरर आ रहा था वो नहीं आया है। अभी क्या करना है आपको, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर उसको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको कस्टम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो वो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको पार्टीशन क्रिएट करना है इसके अंदर इसको फॉर्मेट करेंगे एक बार और यहाँ पर हम लोग उसको पार्टीशन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको एरर आ रहा है उसको आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है। ठीक है, पहला मेथड तो ये हो गया फ्रेंड्स। अगर आपका इससे भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो जो आपका USB है उसका आपको पोर्ट चेंज करके देखना है। मान लो इस पोर्ट के अंदर आपने लगा के रखा है तो नेक्स्ट पोर्ट के अंदर दूसरा पोर्ट के अंदर आप यूज कर सकते हो, या फिर आपका अदर पोर्ट्स है लैपटॉप के अंदर आप वहाँ पर लगा के चेक कर लीजिए कि जो आपका हो सकता है उस पोर्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप पोर्ट चेंज करके भी आप चेक कर लो कि आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कैसे ठीक करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपको कुछ मदद मिला है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन द्वारा ना भूलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।